इस लोकेशन से आप सब वाकिफ हो गए। जब पहली बार हम अपनी होंडा सिविक को खरीद के लाए थे, इस गाड़ी का इंट्रोडक्शन हमने आपको यहीं पर दिया था। नमस्कार जी, मैं शुभम सांगवान, स्वागत है सबका मेरे चैनल पर। आज का दिन ना थोड़ा दुखदायक मैं कह सकता हूँ, और थोड़ा ये कह सकता हूँ कि किसी के लिए जो है आज खुशी का दिन है, मेरे लिए आज जो है हल्का सा दुख का दिन है। आज हमने फाइनली अपनी होंडा की सिविक जो है सेल आउट कर दी है। सही सुना तुम्हारे कानों में, बिल्कुल सही चीज़ गूंजी है अभी फिलहाल। बहुत भाइयों का दिल टूटा होगा, बहुत लड़कियों का दिल टूटा होगा। इस गाड़ी के ऊपर ना बहुत लोगों का दिल आ रखा था। देखो, बाहर से ना मैंने एज अ थर्ड पर्सन इस गाड़ी को कभी देखने का मेरे को मौका नहीं मिला। मतलब इस गाड़ी को मैंने बस चलाया है, ना मैं इसके इधर उधर कहीं बैठा हूँ, ना मैंने इस गाड़ी को किसी और को चलाते हुए देखा, जैसे कोई और चला रहा हो और मैंने एज अ थर्ड पर्सन बाहर खड़े होकर देखा हो। जो अटेंशन इस गाड़ी ने ग्रैब करी है ना पिछले कुछ महीनों में, मैं कह सकता हूँ भाई अनबिलीवेबल, ट्रिमेंडस। इतने मज़े आते थे ना जब इस गाड़ी को मैं चलाता था, क्योंकि लोग ना अलग इतना खुश होकर इस गाड़ी को देखते थे कि भाई साहब क्या चीज़ बना रखी है। फाइनली अपनी होंडा सिविक हमने बेच दी है। बेच हमने एक्चुअली परसों ही दी थी, परसों ही जो है इसकी सारी डील वील हमने पूरी कर दी थी। कल टाइम नहीं मिला, आज जो है इस गाड़ी को हम ट्रांसपोर्ट करने वाले, इसको आज ट्रेलर पर चढ़वाने वाले हैं। सेल जो बायर है इस गाड़ी के, वो बेसिकली चेन्नई के हैं, और अभी आपको थोड़ी देर में ना उनकी क्लिप दिख जाएगी जिसमें उनसे मैं थोड़ी बातचीत करूंगा, जिस टाइम गाड़ी जो है उनके मैं डॉक्यूमेंटेशन करा रहा था। देखो, इस गाड़ी को लिया था, बहुत जो है मन से खरीदा था, शिद्दत से खरीदा था कि इस गाड़ी को बढ़िया बढ़िया मॉडिफाई कराऊंगा, चलाएंगे, दौड़ाएंगे, कूदाएंगे, फूदाएंगे। और हाँ, मॉडिफाई इस गाड़ी को कराया, गाड़ी को डेली चलाया, ठीक है। हमने मई में खरीदी थी गाड़ी, नवंबर में हमने गाड़ी को बेच दिया, दिसंबर में, एक्चुअली दिसंबर की 8 तारीख को हमने इस गाड़ी को बेच दिया था, प्रॉपर डील हो चुकी थी हमारी। तो उतने टाइम में ना इस गाड़ी को हमने 15,000 किलोमीटर चलाया। 15,000 किलोमीटर में मेरा क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा इस गाड़ी के साथ, पहली बात, गुड़गांव की सड़कें इस गाड़ी के लिए नहीं बनी है, बहुत गड्ढे हैं, बहुत ख़राब सड़कें हैं। दूसरी बात, इस गाड़ी को मैं डेली नहीं चला सकता क्योंकि बहुत ट्रैफिक होता है, और ट्रैफिक में तुम डेली, इतनी नीची गाड़ी है, इतनी मतलब समझ रहे हो ना, इतनी नीची गाड़ी, मेरी तो पर्सनल अपनी राय बताऊं तो मेरी बिल्कुल आदत नहीं है कि मैं इतनी नीची गाड़ी रोज़ चलाऊं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चलाऊं, क्योंकि एक सीवी है की बात करूँ, ये हमने शुरू से जो है सीवी गाड़ियां रखी है। होंडा सिविक ना एक लौती सडान गाड़ी है जो हमारे घर में है, चाहे मैं पहले वाली बात करूँ चाहे इसकी बात करूँ। एज अ कार अगर मैं बात करूँ तो होंडा सिविक की होड़ नहीं है, मैं बोलूँगा बुलेट प्रूफ गाड़ी है। एक हिसाब से इसका इंजन बुलेट प्रूफ है, कभी ख़राब नहीं हो सकता। आप कैसे भी इस गाड़ी को चला लो, इसके इंजन में कोई परेशानी नहीं आ सकती। पिकअप की बात करूँ, पावर की बात करूँ, जो भागती है ये गाड़ी, मैं बस तारीफ के इस गाड़ी का मैं पुल बांध सकता हूँ। अगर इस पर्टिकुलरली गाड़ी की मैं बात करूँ तो, कि एज अ होंडा सिविक, मतलब होंडा सिविक एज अ कार कैसी गाड़ी है। तो अभी जो है मैं लेट हो रहा हूँ, जाकर जो है उनको गाड़ी पकड़ानी है जहाँ पर ट्रेलर पे ये गाड़ी चढ़ेगी। चढ़ते हुए चढ़ाते हुए आपको सारी क्लिप मैं बता दूंगा, दिखा दूंगा। तो आज जो है फाइनली इस गाड़ी को हम सेल कर चुके हैं, सेल आउट हो चुकी है हमारी ये गाड़ी, और दाम भी है ठीक ठाक, हमारा जो रेट है उसके अंदर गाड़ी को हमने बेचा है। कहाँ बेचा है आप सब सोच रहे होगे कि भाई एक साल बच रहा था इस गाड़ी को, इसको लिया किसने है। तो उन भाइयों से मैं आपको मिला देता हूँ आराम से। गाड़ी एक्चुअल में जो है चेन्नई तमिलनाडु में सेल हुई है, वो भाई दिल्ली आया स्पेशली गाड़ी को लेने को, और उनसे जो है ना सारा एक्सपीरियंस पूछूंगा। इस गाड़ी को उन्होंने चला के देखा, क्या कुछ उनका सीन था सारा, और उनको क्यों इस गाड़ी से इतना क्या लगाव है उनको, या क्या उनकी क्या कहानी इस गाड़ी को खरीदने की। देखो, मैंने तो अपनी बेचने की बता दी, तो उन भाइयों से मिला देता हूँ और उनसे जो है उनका एक्सपीरियंस ले लेता हूँ कि अपनी होंडा सिविक के साथ उनका क्या कुछ एक्सपीरियंस है बाइंग, और कैसा कुछ उनका जो है फर्स्ट इंप्रेशन थे इस गाड़ी को देख के, सारी चीज़ें उनसे पूछ लेता हूँ। तो कैमरा के आगे बुला लेता हूँ। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे तीनों भाई, कैसे हो आप? आपका नाम? करीम। आपका भाई? फाइन, थैंक यू। थैंक यू सो मच। आपका? दिलवा। आप जो है दिल्ली आए हो स्पेशली होंडा सिविक को खरीदने, आपका सबसे पहले मेरे को एक आप बात बताओ, आपने जब पहली बार इस गाड़ी को देखा, यहाँ आप दिन में आए थे, तो आपका क्या कुछ एक्सप्रेशन था, आपको कैसा लगा गाड़ी को देख के? रॉयल लुक। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, हैप्पी, मतलब देख के आपको बहुत। आपने ड्राइव भी करी, आप सबने ड्राइव करके देखा, कैसा कुछ लगा आपको? तो चेन्नई आप इस गाड़ी को अब लेके जाओगे, आपके क्या मतलब आइडिया कैसे आया आपको कि यहाँ दिल्ली से आप गाड़ी ले लो, कैसा कुछ आपका मतलब आइडिया क्यों आया आपके दिमाग में? ये समथिंग डिफरेंट था, ये गाड़ी देखने में आपको बस देखने डिफरेंट था। इधर में चेन्नई डाल के ना, चेन्नई में आपका नाम बोलेगा। अच्छा,
पूछे ये कहाँ पे लेके आया भाई, कहाँ से लेके आया था, कल के पूछेगा। अच्छा, हम बोलेगा दिल्ली से लेके आया, भाई से लेके आया, बाहर हम बोलेगा। हाँ जी, चलो भाई थैंक यू सो मच। और अब तो आपकी गाड़ी है, मेरी तरफ से आप लेके जा रहे हो चेन्नई की, कभी भी आप चेन्नई की गाड़ी आपके चला सकते हैं। वो तो है, आएंगे भाई, चेन्नई आएगा आपके फोन कर देना, बिल्कुल भाई। और ठीक है यार, गाड़ी चेन्नई की रोड्स तो अच्छी होंगी, रोड बढ़िया है वहाँ की, एकदम फर्स्ट क्लास इस गाड़ी के लायक। अच्छा, तो आपकी वहाँ पर कोई कम्युनिटी भी होगी, कार कम्युनिटी भी होगी जहाँ पर आप जाते होंगे? बढ़िया है भाई, पूरा मतलब होपफुली आपको जो है बढ़िया साथ देगी ये गाड़ी। अब आपका मेर से जो है जा रही है ये गाड़ी, और थैंक यू सो मच भाई आने के लिए, गाड़ी को लेने के लिए। थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इंजॉय करो, चलाओ, कुदाओ, फुदाओ, भगाओ, गाड़ी बहुत तेज भागती है। ड्राइव सेफ भाई, थैंक यू सो मच। इस गाड़ी को जब जब चलाता था ना, अभी भी जब चला रहा हूँ, फाइनल मैं कह सकता हूँ कि फाइनल जो है ड्राइव है, एक बार बेल्ट लगा लेते हैं, फाइनल बारी जो है बेल्ट भी लगा लेते हैं गाड़ी में। इस गाड़ी को जब जब चलाया ना मैंने, खुली सड़कों पर, सीधी सड़कों पर, प्लेन सड़कों पर, इस गाड़ी ने कभी डिसअपॉइंट नहीं करा मेरे को। हमेशा चेहरे पे ना अलग रौनक रहती थी, और बाहर से जो जनता देखती थी ना इस गाड़ी को, उनके भी जो चेहरे पे अलग रौनक रहती थी। तो वो रौनक अब जो है गुड़गांव से, दिल्ली एनसीआर से जो है शिफ्ट होकर अब चेन्नई में रौनक दिखेगी। और कोई भी व्यूअर्स मेरे चेन्नई के हैं अभी जो चेन्नई से वीडियो देख रहे हो फिलहाल, हिंदी अगर आपको समझ आ रही हो, तो ये गाड़ी अब चेन्नई में आपको दिखने वाली है। तो चेन्नई वाली जनता तैयार रहो दिल्ली एनसीआर के पटाखे को चेन्नई में देखने के लिए। और बस इतना ही कहना चाहूँगा, इस गाड़ी ने ना जितना कंफर्ट दिया मेरे को, जितना मैं कह सकता हूँ हाईवे पे चलाता था, पूरा कंफर्ट इस गाड़ी ने मेरे को दिया। कभी इस गाड़ी ने थकाया नहीं मेरे को, शहर के उसके जो है शहर वाले उसके अलावा मैं बात करूँ तो। और इस गाड़ी को मैं अगर जेन्युइनली बताऊँ बेच क्यों रहा हूँ, मैं अपना बेसिक रीज़न अगर आपको समझाऊँ कि क्यों बेच रहा हूँ, एक नीची गाड़ी को मैं डेली नहीं चला सकता हूँ, ठीक है। मेरा डेली मेरा 60-70 किलोमीटर शहर के अंदर रनिंग है, जिसमें जाम भी होता है, सब कुछ होता है, उसके अंदर इतनी नीची गाड़ी मेरे से नहीं चल पाएगी। और दूसरी चीज़, इस गाड़ी का सिर्फ एक साल बच रहा था, ये मेरे ख्याल में परफेक्ट टाइम था इस गाड़ी का, जो मेरे को ठीक प्राइस मिल जाए, ठीक दाम मिल जाए, और उस दाम के अंदर मैं इस गाड़ी को निकाल दूँ, ताकि जो है साउथ की साइड अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर जो है एक्सटेंड हो जाती हैं चीज़ें। क्या कुछ हमने कागज़ प्रिपेयर करे मैं आपको पहले समझा देता हूँ। मैं यहाँ से जो है, मैंने हमारे ये चीज़ हुआ था, वो लोग जो है देखने आए थे गाड़ी को चेन्नई से, हमारे भाई यासिर भाई और एक दो तीन भाई और थे हमारे, वो लोग चेन्नई से डेली आए थे दो तीन गाड़ियाँ देखने, उनमें से एक गाड़ी हमारी पसंद आई उन्हें, तो उन्हें पसंद आई, हमने डील क्रैक करी, उन्हें जो है पेमेंट करी, और कुछ पर्टिकुलर पेमेंट उन्हें होल्ड कर ली कि एनओसी जब उनके हाथ में आ जाएगी वो पेमेंट जो है बाकी दे देंगे वो चलो हमारे बीच की बात है। आग हमने यहाँ से जो है एनओसी का प्रोसेस शुरू करवा दिया, उनका एड्रेस लेके, उनका जो है डॉक्यूमेंट्स लेके, उनके जो है आईडी लेके, उनके सिग्नेचर लेके, फॉर्म 28-29 होते हैं वो फिल करवा के, दो तीन मतलब उनकी कॉपीज पे साइन करवा के, और जो है यहाँ से हमने जो है एक एफिडेविट बनवा लिया कि अब जितनी भी जिम्मेदारी है उनकी गाड़ी की है, और हमने जो है गाड़ी उनको बेच दी है। अब जा रहा हूँ जो है ट्रांसपोर्टर है हमारे एक जानकार, उनके पास गाड़ी देने जा रहा हूँ, वो जो है चढ़ा देंगे, हफ्ते भर के अंदर ये गाड़ी चेन्नई पहुँच जाएगी। कितने कुछ पैसे लगते हैं चेन्नई के ट्रांसपोर्ट के मैं आपको वो भी समझा दूंगा। तो ये वीडियो तो एक हिसाब से मैं कह सकता हूँ सेलिंग की वीडियो है, साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी साउथ के हमारे भाई हैं उनके लिए बेनिफिशियल वीडियो है, कि उनको एक हिसाब से पता चल जाएगा कि नॉर्थ से गाड़ियाँ कैसे उठानी है। और जितने भी साउथ के भाई हैं जो गाड़ी कोई खरीदना चाहते हैं, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, मेरे पास जो है पुरानी गाड़ियों की अच्छी खासी वो आती रहती है, क्वेरीज आती रहती है सेलिंग के लिए, कि मेरे पास मतलब आती रहती है गाड़ियाँ बिकने को, तो आपको अच्छे रेट में ना बढ़िया गाड़ी दिला सकता हूँ मैं, वो चीज़ अलग है चलो। और भाई कुछ बोलो, गाड़ी का एसी तगड़ा था यार, इसका म्यूजिक सिस्टम स्टॉक इतना प्यारा था, एग्जॉस्ट की आवाज़ इतनी प्यारी है, वीटेक तो ऐसा किक डिन होता है ना, ये 90 डिग्री पे जब 4000 आरपीएम पे इसकी सुई जाती थी ना, बस मत पूछो।
तो ओवरऑल बस इतना ही आपको समझाना चाहता हूँ, इतना ही बताना चाहता हूँ कि हमने जो है अपनी होंडा सिविक को दे दिया है। देखो इस गाड़ी को मैं नहीं बेचता, अगर इस गाड़ी के 2-3 साल और बच रहे होते, मान लो ये 2011 या 12 मॉडल होती, ये 13 मॉडल होती, तो मैं नहीं बेचता इस गाड़ी को, क्योंकि एज का बहुत फैक्टर है। अब मैं इसको 6 महीने और रख लेते ना, इस गाड़ी की वैल्यू और कम हो जाती। इसको पूरा ही मैं इसके साल कंप्लीट कर लेता। एक तो ये चीज़ है, अगर दिल्ली NCR में 1 महीना अगर तुम्हारा वो बच रहा है ना वैलिडिटी, तो 1 महीने के अंदर अगर आप वो करा रहे हो, NOC कटवा रहे हो, तो जो है मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। मेरे ख्याल में 20-25 हज़ार रुपये लग जाते हैं, वरना नॉमिनल सा 4-5-2-3 हज़ार रुपये का, 4 हज़ार रुपये का खर्चा है। फ़र्क देख सकते हो आप, है ना जी। तो ओवरऑल ठीक है यार, ओके है, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं, बेच दिए, जो जिनके पास जाएगी वो लोग खुश। बाकी कोई व्यूअर अभी चेन्नई से देख रहा है ना, ये गाड़ी आपको वहाँ चलती दिखने वाली है कुछ दिनों के अंदर। अब इस गाड़ी को ट्रांसपोर्ट करवाएंगे, भिजवाएंगे, लदवाएंगे, चढ़वाएंगे, वो भी जो सारी क्लिप है आपको, अगर 1-2 दिन में अगर वो चीज़ हो जाती तो वो क्लिप भी मैं आपको दिखाऊंगा आराम से। और हैप्पीली दे रहा हूँ इस गाड़ी को, राजी खुशी दे रहा हूँ, कोई वो नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है। अगले जो भी लेके जाएंगे उसको वो बहुत खुश हैं, जो चलाएंगे इसको मोर देन हैप्पी होंगे। चेन्नई में इस गाड़ी को दुनिया देखेगी तो पता चलेगा कि भाई साहब दिल्ली में एक धुरंधर बैठा हुआ था जिसने ऐसी एलिगेंट करवा रखी थी गाड़ी को। बाकी होंडा सिविक की बात करूँ ना, अगर किसी ने कभी नहीं चलाया इस गाड़ी को तो मैं ये कहूँगा कि मरने से पहले एक बार इस गाड़ी को चला के ज़रूर देखना अगर आपको मौका मिलता है, और पेट्रोल मैनुअल चला के देखो तो और ज़्यादा आपको यूँ लगेगा। जो रॉनेस और जो कंफर्ट ये गाड़ी देती है ना, एक गाड़ी ये दो चीज़ें नहीं दे सकती। जो गाड़ी बहुत ज़्यादा रॉनेस देती है वो कंफर्ट नहीं दे पाती, जब एक्सट्रीम कंफर्ट देती है वो गाड़ी इतनी रॉनेस नहीं देती। इसका भाई साहब VTEC पागल हो जाता है, 100 की स्पीड पकड़ते ही तो पागल हो जाता है। ये सुई है ना इसकी 90 डिग्री के एंगल पे आ जाती है ना, फिर तो यूँ कहती है कि अब नहीं जाने दूंगी किसी को आगे। सिविक अब गाड़ी अच्छी है, जब तो मैंने दूसरी गाड़ी खरीदी थी, बट अब देखो मैं सिंपल आपको बताऊं, एक चीज़ मैं आपको बताता हूं, मेरे को नीची गाड़ियां बिल्कुल भी यूँ नहीं कह रहा पसंद नहीं है, बट प्रैक्टिकल नहीं है मेरे डेली यूजेज के लिए, ठीक है। हमें शुरू से ऊंची गाड़ी की आदत है, जिस गाड़ी को बड़ा देखभाल के चलाना पड़े कि ओह भिड़ ना जाए नीचे से, ओह टच तो ना हो जाए स्पीड ब्रेकर पे, क्या फ़ायदा। ज़िंदगी में वैसे इतनी टेंशन है, एक टेंशन और गाड़ी चलाते हुए, नॉट गुड। तो ठीक है, बेच दी, कोई आपत्ति नहीं। अब देखते हैं पोलो के साथ क्या कुछ करामाती करनी है हमको, पोलो की मॉडिफिकेशन आइडियाज जो है ड्रॉप करते जाओ। और आपको भी नई पुरानी गाड़ी से रिलेटेड कोई डाउट हो, आपको सोच रहे हो कि आप कहाँ से खरीदे, आप जैसे चेन्नई से आए थे दिल्ली, इनको बहुत तगड़ी डील में गाड़ी मिली है, वहाँ ऑब्वियसली जो है ये गाड़ी महंगी मिलती होगी और मॉडिफाइड मिली ऊपर से। तो दिल्ली में आप आओगे ना, जैसे मेरे साउथ के कोई व्यूअर्स अभी देख रहे हैं, आप अगर दिल्ली में आओगे ना तो मैं कह सकता हूँ बेस्ट डील्स आपको पुरानी गाड़ियों के ऊपर, आपको सेकेंड हैंड गाड़ियों पर दिल्ली में मिल जाएंगी, और ले लो मैं तो ये बोलूंगा, ठीक है। आप एक जिंदगी इसमें भी शौक पूरे ना करें तो क्या करें। बाकी यही थी कुछ आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। लास्ट राइड देख लो अपनी गाड़ी की, और अब कल परसों में जो है इस गाड़ी को ट्रांसपोर्ट करवा देंगे, हम ट्रक के ऊपर चढ़वा देंगे, है ना जी। तो आप में से भी कोई डाउट हो, किसी डाउट उसके अंदर हो, डेली मार्ग के अंदर हो कि गाड़ी ले ना ले, कौन सी ले, कैसी ले, तो मेरे से जो है बेधड़क पूछ लेना, आपको जो है मेरी आइडिया दिख गई होगी। इंस्टा पे मतलब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, और इंस्टा की आइडिया आपको दिख गई होगी, जाके फॉलो ज़रूर कर लेना। हर वीकेंड पे जो है मैं कभी ना कभी जो है अपना वो करता हूँ, क्यों नहीं करता, वहाँ पे आके भी जो है अपने डाउट्स पूछ सकते हो, और पूरी पूरी सहायता करेंगे। बाकी शॉर्ट्स एंजॉय करो, जितने भी इसकी कहानी थी ना वो हल्की सी एक जो है आखिर में मैं डाल देता हूँ, वो ज़रूर एंजॉय कर लो। ओके बाय। So hard 'cause I loved you, but I'm finally feeling like myself. All of the wounds that were opened by you are now closing. I finally know how to live without hurting myself.
this imperfect world. But I'm learning my way on earth. This maze that I'm running through now when I think of you. I'm fine to see a picture of you. You will eat me alive. And now when I think of you, I'm fine. And all of the wounds that were opened by you are now closing. I finally know how to live without hurting myself. I think that I am moving on cause I do feel less broken. I needed a sign. Gandhi Chali Padi. Gandhi Chali Padi. Gandhi Chali Padi.